पहले पहले ईश्वर दुनिया के बनौली उहे ई आकाश धरती आ ए में जे कुछ बा बनौली। ईश्वर के बनावल ई सब चीज जब हमनी का देखे ली जा तो बड़ा अचरज होला। जे कुछ ईश्वर बनौली उ सब निमन रहे। उनकर बनावल सब कुछ उनकर महानता अच्छाई और शक्ति के बखान करत रहे। ईश्वर किसिम किसिम के पेड़ रूखा जानवर बनौली। तब ईश्वर धरती के माटी से पहला आदमी के पुतला बनौनी, ओकरा नथुना में जान ठुकली आ वो जिंदा आदमी बन गई। ई पहला आदमी के नाम आदम परल। तब ईश्वर एगो स्त्री के बनौली जे आदम के पत्नी के रूप में जिनके भर उनका संगे रह सके। इनकर नाम हवा परल। ईश्वर अपने समान आदम और हवा के बनौली ताकि ये दोनों प्राणी एके संगे एक मन होके रह सके। ये दोनों प्राणी अदन के बारी में ईश्वर के संग खुशी खुशी रहे लगले, जहाँ न कोनो दुख रहे न मौत। तब ईश्वर आदम से कहली कि सिर्फ एगो पेड़ के फल छोड़ के सब पेड़ के फल खा सके ल जा, अगर वो फल खाइबा त तू मर जइबा। पर शैतान एक दिन हवा के वो पेड़ के फल खाए खातिर फुसला लिहलस। हवा वो पेड़ के फल खैली, उनकर पति भी खैलस। ठीक वही समय वो लोग के संबंध ईश्वर से टूट गए। ईश्वर पवित्र हैं, उनका सामने पापी खड़ा ना रह सकेला। तब ईश्वर आदम हवा के अदन के वाटिका से निकाल दिली। ईश्वर के हुकुम ना मानला पर वो लोग के बड़ा लाज लगल। यह कारण आदम हवा आ उनकर बाल बच्चा के बहुत दुख और मौत सहे के पड़ल। लेकिन ईश्वर मनुष्य जात से प्रेम कैल ना छोड़ली। ई खुद ही एगो उपाय बतौली ताकि आदमी उनके भीरी लौट के उनके संगति में रह सके। मनुष्य जात जे पाप कैले बा ओसे छुटकारा देवे खातिर ईश्वर के योजना धर्मशास्त्र में दिहल बा, ताकि मनुष्य ईश्वर के संगति में हमेशा रह सके। ईश्वर अपन ई योजना भविष्यवक्ता इब्राहिम पर प्रकट कैली। इब्राहिम ईश्वर पर विश्वास कैलन आ उनका के इज्जत दिलन। इब्राहिम आ उनका चलते उनका जाति के आशीष देवे खातिर ईश्वर उनका से प्रतिज्ञा कैली। ईश्वर इब्राहिम के वंश के समुद्र के बालू और आकाश के तारा के समान बढ़ावे के प्रतिज्ञा कैली। इब्राहिम ईश्वर पर विश्वास कैलन, वही विश्वास द्वारा ईश्वर उनका के धर्मी ठहरौली आ लोग उनका के ईश्वर के मित्र मान लिहले। एक दिन ईश्वर इब्राहिम के परीक्षा लैली कि देखी वो उन पर विश्वास करेलन आ हुकुम मानेलन कि ना। ईश्वर कहली तू अपना बेटा के हमरा खातिर बलि चढ़ावा। इब्राहिम जानत रहलन कि यही बेटा द्वारा ईश्वर उनकर वंश बढ़ावे के प्रतिज्ञा कैले बानी। वो ईश्वर पर विश्वास करके उनकर हुकुम मान लेलन। तब इब्राहिम अपन एकलौता बेटा के ईश्वर खातिर बलि चढ़ावे के तैयार हो गईली। इब्राहिम अपन चाकू उठावले। तब ईश्वर कहली इब्राहिम बालक पर हाथ मत उठावा, हम जानता नहीं तू हमार भय माने ल आ हमार हुकुम माने खातिर तैयार रहे ल। तब इब्राहिम पंजरे एगो भेड़ा के देखलन, ओकर सिंह झाड़ी में अझुराइल रहे। इब्राहिम ओ भेड़ा के जेकर प्रबंध ईश्वर कैले रहनी धई के ले अलन आ अपना बेटा के बदले बलि चढ़ावले। जब ईश्वर इब्राहिम के बेटा खातिर एगो भेड़ा के बलि चढ़ावे के प्रबंध कैली, वैसे ही ईश्वर भी देखनी कि मनुष्य जात से उनका कितना महान प्रेम बा। उनकर प्रेम वैसने बा जैसन एगो पिता अपना बेटा से करेलन। मनुष्य जात के बदले मृत्यु दंड सहे खातिर अंतिम बलिदान के योजना के बारे में ईश्वर बतौनी। बहुत पहले भविष्यवक्ता द्वारा ईश्वर भविष्यवाणी कैली कि मनुष्य जात के पाप और लाज मिटावे खातिर महान बलिदान के रूप में एगो निष्कलंक मनुष्य के दुनिया में भेजब।
वो लोग खातिर जे उनका पर विश्वास करी हैं आ अनंत काल तक उनका संगे रही हैं, ई बलिदान एगो रास्ता खोली। भविष्यवक्ता लोग मनुष्य के मसीहा नाम दिले, वो लोग बतौले कि मनुष्य के बचावे आ ईश्वर के नाम में दुनिया पर अनंत काल तक राज करे खातिर ईश्वर मसीहा के भेजब। मसीहा के जन्म के कई सौ साल पहले भविष्यवक्ता लोग बतौले रहनी कि मसीहा का काम करी हैं आ उनका संगे कौन कौन घटना घटी। दाऊद नाम के भविष्यवक्ता के कथन कि ईश्वर मसीहा पर प्रकट करब कि तू हमार पुत्र हवा। इस पुत्र के उपाधि बयान करता कि मसीहा के ईश्वर संगे बहुत करीबी रिश्ता होई, आ इनकर हैसियत उद्धारकर्ता आ राजा के होई। यशायाह भविष्यवक्ता बतौले कि एक कुंवारी गर्भवती हुई है, वो एक बेटा जनी है। ई बालक ईश्वर के मुंह के सनातन वाणी है, जिनका के ईश्वर कुंवारी के गर्भ में इंसानी रूप में जन्म लेके ईश्वर के प्रकट करे खातिर ये दुनिया में भेजनी। भविष्यवक्ता इहो लिखलन कि मसीहा बैतलहम में जन्म ली है। वो इहो लिखलें कि लोगन के राजा के रूप में यीशु यरूशलेम में प्रवेश करी है। उनका एगो चेला चांदी के 30 सिक्का खातिर उनका के धोखा दी ही। भविष्यवक्ता लोग बतौले कि मसीहा अपन जीवन बलिदान करी हन, पर ईश्वर उनका के तीसरा दिन मौत से जिंदा करब। ये लोग मसीहा के मनुष्य के पुत्र बतौले आ कहले कि ईश्वर का सामने वो बदरी में समा जाई हैं। ईश्वर उनका के हमेशा खातिर दुनिया पर राज करे का अधिकार दे। दो हजार बरिस पहले यीशु नाम के आदमी रहत रहनी, लोग जब यीशु के ई सब अचरज के काम देखले त आपस में कहले का इहे मसीह हैं। मसीह के बारे में जवन कुछ भविष्यवक्ता लोग कहले सब कुछ यीशु के जीवन से पूरा होत रहे। ई फिल्म देखाओ ताकि यीशु के हैं आ वो सब बात आ काम यीशु कैनी जैसन धर्म शास्त्र में लिखल बा। यह फिल्म में यीशु के बदले एगो दोसर आदमी पाठ कैले बा। ई काम करे खातिर यीशु ऐसन केहू सिद्ध पुरुष नहीं खे, लेकिन ई फिल्म ऐसन बनावल गईल बा ताकि लोग यीशु के जीवन के बारे में जाने आ सीखे आ वो सब आशीष पावे जेकर प्रतिज्ञा ईश्वर कैले बनी। प्रिय थियोफिलुस, हमनी के बीच में जवन घटना भइल ओकर क्रमानुसार विवरण हम रउआ के लिखतानी ताकि सब बात के सच्चाई जान जाई। अगस्तुस कैसर रोम के सम्राट रहलन और हेरोदेश यहूदिया देश के राजा रहलन। ओही समय में परमेश्वर के ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजल गोइल। ओकर नाम मरियम रहे। हे मरियम, तुम मत डरा, काहे कि परमेश्वर की अनुग्रह तोहरा पर भइल बा। तू गर्भवती होइबू और एक बेटा के जन्म देबू, ओकर नाम यीशु रखिया। ई कैसे हो सकेला, हम तो कुंवार बनी। ये खातिर ओ पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के बेटा कहाई, उनका राज के अंत कबहू न होई। मरियम यहूदा के एक नगर में अपन मौसेरी बहन इलिशवा से मिले खातिर गोइली, वो भी अद्भुत रीति से गर्भवती रहली। इलिशवा, मरियम, आय बहन मरियम, तू सब मेहरारुन में धन बड़ू और तोहर गर्भ के फल भी धन बा। जैसे ही हम तोहर नमस्कार सुनली तैसे ही बच्चा हमरा पेट में खुशी से उछल पड़ल। हमार प्राण प्रभु की बड़ाई करता और हमार आत्मा उद्धार करे वाला परमेश्वर में मगन भइल बा। ई खातिर अब से युग युग के लोग हमरा के धन्य कहिया। ए नासरत के निवासी लोग सुनी जा, अगस्तुस कैसर की ओर से हुकुम जारी भइल बा कि गलील और यहूदिया प्रांत के लोगन के नाम लिखल जाई। सब लोग अपन जन्मभूमि के अनुसार अपना अपना शहर और गांव में नाम लिखावे जा लोग। अ
जी कोई जगह मिली? कोई जगह नहीं थे। दया करी एक आराम कर, जरूरी बा, एक जीव ठीक नहीं थे। और मरियम अपन मंगेतर यूसुफ के साथ यहूदिया के बैतलहम में नाम लिखावे खातिर गोइली, लेकिन बैतलहम में ऊ लोग के ठहरे के जगह ना मिलल, और ठहरे के जगह भी मिलल तो ऊ गौशाला रहे। ओह देश में यही समय कुछ करेल लोग राती के मैदान में अपना भेड़ के रखवाली करत रहलन। एक ब एक प्रभु के दूत उनकरा पर प्रगट भइल और परमेश्वर के महिमा उनका पर चमकल। आज दाऊद के नगर में तुहार उधार करता जन्म ले ले बाण ए प्रभु ख्रिस्त हवन। गड़ेर लोग हाली से चरनी में पड़ल बालक यीशु के देखे खातिर गोइले, और ऊ लोग कुंवारी माँ और उद्धारकर्ता के जन्म के सुसमाचार पहले प्रचार कैलन। एक हफ्ता के बाद जब बालक के खतना के समय आयल तो उनकर नाम यीशु रखल गई। यीशु और मरियम बालक के परमेश्वर के अर्पण करे खातिर यरूशलेम लेके गईले। आराधनालय में एगो धर्मी और भक्त मनुष्य रहन, उनका से पवित्र आत्मा वायदा कैले रहे कि जब तक वो मसीह के ना देख ली हैं तब तक उनकर मृत्यु ना होई। उनकर नाम शिमोन रहे। ही स्वामी, अब रहुआ अपना दास के अपना वचन के मुताबिक शांति से विदा कर। काहे कि हमारा राउर उधार के देख ले लेवा। ई बालक परमेश्वर से चुनल गइल बाण, तू दोनों जाना के आशीष दे। जब वो लोग मूसा के व्यवस्था के अनुसार सब काम खत्म कर ली लें तब यरूशलेम से ही अपन नगर नासरत लौट गई लें। जब यीशु 12 बरिस के भइलन तब यूसुफ और मरियम फसह के पर्व खातिर यरूशलेम ले गई लें। जब वो लोग लौटल तो ई सोचत आवत रहे लोग कि बालक तो संग ही बा, बाकी यीशु ओइजे रह गईलन। वो लोग यीशु के ढूंढे खातिर लौट के शहर में आइलन और तीसरा दिन यहूदी धार्मिक गुरुवन के साथ बैठल पौले। ई केकर लइका ह के ऐसा सवाल पूछता? ई नासरत के नु हमें, हमनी के सोचत रहिन जाई संगे बाणे, इनका का क्षमा करिन जा। उनका के सुने वाला सब लोग अचंभा हो गइल। ए बेटा, तू हमनी से काहे ऐसन कइला? देखो तोहार बाबूजी और हम तोहरा के खोजे खातिर कितना चिंतित रहली। तू लोग काहे हमके खोजत रहल? ये नहीं खोजे जानत कि हमरा पिता के भवन में रहल जरूरी बा? और यीशु अपन माई बाबू के साथ नासरत में आइलन और वो बुद्धि डीलडोल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़त गईले। कैसर के राज के 15वां बरिस में जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया के हाकम रहलन और हेरोदेस गलील के राजा रहलन और हन्ना और कैफा महायाजक रहलन जा, तो परमेश्वर के वचन मरुभूमि में यहुन्ना के पास पहुंचल और वो यर्दन नदी के आसपास के देश में आकर पाप के क्षमा खातिर पश्चाताप के बपतिस्मा के प्रचार करे लगलन। पाप से मन फिरावा और बपतिस्मा ला, तो परमेश्वर तार पाप क्षमा करी है। जैसन के यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखल बा, मरुभूम में पुकारे वाला की आवाज ये बा, प्रभु खातिर मार्ग तैयार करा, उनकरा खातिर रास्ता सोच बनावा जा, हर घाटी भर दिहल जाए, सब पहाड़ और टीला बरोबर कर दिहल जाए, टेढ़ मेढ़
रास्ता सोच बनावल जाए, उबड़ खाबड़ के बरोबर कर दिया जाए कि सब लोग परमेश्वर के उद्धार के देखी हैं। सांप के बच्चा लोग, तू का चाहता कि हम निका करें जा। जकरा पास दूगो कुर्ता बा, एगो जकरा पास नहीं खे ओकरा के दे द, और जकरा पास खाए के बा बाट के खाए। गुरु जी, हमनी का चुंगी लेबे वाला है जा, हमनी का करी जा। ठहरवला से कुछ भी बेसी मतलब, तब हमनी के का करे के बा। बलाते पैसा केहू से मतलब, और केहू पर झूठा दोष मत लगावा, अपना कमाई पर संतुष्टि रख। हमने के बताए कारुआ ख्रिस्त है, हम तू लोग के पानी से बपतिस्मा देतनी, लेकिन जे हमरा बाद आवे वाला बा वो हमरो से महान बा। हम उनकरा जूती के फीता खोले लायक भी नहीं थी, वो तहरा के पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दी है। उनकर सूप उनकरा हाथ में बा, ओकरा से गेहूं के भूसा से अलग करके अपना बखार में रखी है। पवित्रात्मा सदेह कबूतर के भेष में यीशु पर उतरल। और आकाशवाणी भइल, तू हमार प्यारा बेटा हवा, हम तोहरा से बहुत खुश बानी। जब यीशु अपन सेवा शुरू कैलन, उ लगभग 30 बरस के रहलन। वो पवित्रात्मा से भरपूर होके यर्दन से लौटलन, और पवित्रात्मा उनका के मरुभूमि में ले गईल, जहाँ पर शैतान द्वारा उनकर 40 दिन तक परीक्षा भइल। वो उतना दिन तक उपासे रहलन। शैतान उनका से कहलस, अगर तू परमेश्वर के बेटा आवा त ई पत्थर रोटी बन जाए कह द। ये लिखल बा, मनुष्य खाली रोटी से ही ना बल्कि परमेश्वर के वचन से जियत रहे। शैतान उनका के ऊंचा स्थान पर ले गईल, और छने भर में संसार के सब राज दिखावलास। ई सब अधिकार और सब वैभव तोरा के दे दे, देखा ई सब अधिकार हमरा के दियल गईल बा, और जेकरा के हम चाही ओकरा के दे सकीला। अगर तू हमरा के प्रणाम करबा त ई कुलिए तोहार हो जाई। शास्त्र में लिखल बा कि तू केवल प्रभु अपना परमेश्वर के प्रणाम कर और उनके उपासना कर। शैतान यीशु के ले जाके यरूशलेम मंदिर के कंगूरा पर खड़ा कर देलस। यदि तू परमेश्वर के बेटा आवा था ईजा से अपना के नीचे गिरा दा, काहे कि शास्त्र बतावा था कि तोरा रक्षा करे के परमेश्वर अपना स्वर्गदूत के आज्ञा दिए, उ तोरा के हाथों हाथ उठा लिए और तोरा गोड़ में पत्थर से ठेस ना लगी। धर्मशास्त्रियों का था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ला। Thank you.
और उन नासरत में अइले जहां उनकर पालन पोषण भइल रहे। का हो? ठीक बानी। सबत यानी हफ्ता के सातवां दिन अपना रीति के अनुसार आराधनालय में गोइले। उनका के यशाया नबी के पुस्तक में से एक भाग पढ़े के बुलावल गई। प्रभु के आत्मा हमरा पर बा, काहे कि कंगालन के सुसमाचार सुनावे के हमरा के चुनले बाण। वो हमरा के भेजले बाणे कि कैदियन के छुटकारा के आंधर के दृष्टि पावे के दबल लोग के आजाद करे के और ये प्रचार करे के कि समय आगुल बा कि प्रभु अपना लोगन के बचाई है। शास्त्र के वचन जे हम पढ़ली से तोहनी लोग सुनल वो आज पूरा हम शास्त्र के बाद पूरा भइल। ई वायदा सिर्फ मसीह पूरा कर सके। हमनी कैसे जानी जा जरूरत तोहनी लोग हमारा पर ही कहावत कहबा हे वायदा अपना आप के चंगा कर और यो कहबा जा जौन काम तू कफरनहूम में कइल वो हमनी के सुनले बनी जा। वो अपना गाँव में भी कर हम तरह से कहा तो नहीं कौन नबी अपना गाँव नगर में इज्जत ना पावेला। ई बात से यीशु अपना आप के मसीहा यानी लोगन के बचावे खातिर परमेश्वर के भेजल अभिषिक थवे जना देलन। बाकी ई यहूदी लोग यीशु के उद्धार करता ना मनले। उ लोग उनका के पहाड़ पर से धकेल देवे के कोशिश कैले पर उ भीड़ में से निकल के चल गुइले। और उ गलील के कफरनहूम नगर में अइलन। रोमी राज के शक्ति चारों ओर फैलल रहे और लोग उनके अत्याचार से छुटकारा पावे खातिर मसीहा के बाट जोहत रहलन। तोहरा के शांति मिल रहो कहे का हम तोहरा ना पर आ सकना समझ काहे ना का हम नी के छोड़ के जाता रहन। हमनी से बोली हमनी से बोली हमनी के कुछ बतावा इसे हम ने बताए एक बार दुई आदमी प्रार्थना करे मंदिर में गोइले। एक जना फरीसी रहले दूसरा चुंगी लेबे वाला। तब फरीसी अलग खड़ा होके प्रार्थना करे लगले हे परमेश्वर हम तोहरा धन्यवाद करतानी कि हम दूसरा के तरह अंधेर करे वाला अन्यायी या व्यविचारी नहीं की और ही चुंगी लेवे वाला के ऐसन भी नहीं की। हम हफ्ता में दो हालू उपवास रखिला और अपना कमाई के दशमांश भी दिहिला लेकिन चुंगी लेवे वाला दूर खड़ा होके स्वर्ग को राख उठावे ना चले पर अपन छाती पीट पीट के कहे लगले हे परमेश्वर हम पापी पर दया कर। हम तोहरा से कहा तनी फरीसी नहीं लेकिन चुंगी लेवे वाला जब घर गोइल तब परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरल। जे अपना के बड़ बनाई ओकरा के छोट कइल जाई और जे अपना के छोट बनाई ओकरा के बड़ कइल जाई। नाव के गहिरा मिले चला तब तू और तोहर साथी मछली मारे खातिर जाल डाल। हे गुरु जी हमने के रात भर मेहनत कैनी जा तब हूँ कुछ ना मिला।
पर रउआ कहतानी त हम जाल डालतानी। काफी बात इतना काफी बात हमरा भीरी से जाई प्रभु हम पापी मनुष्य बानी। मत डेरा, आज ही से तू मनुष्य के पकड़बा। हमरा की आवा जा और हमार बात सुना जा। हमार कहना माना तो तोहनी लोग के जिंदगी मिली। जब तक प्रभु मिल न जास तब तक उनका के खोजत रह। जब तक वो नीचा बाण तब तक उनका के पुकारत रह। दुष्ट अपन चाल और अनर्थकारी अपन आदत छोड़ के प्रभु के ओर फिरी तब उनका पर दया करी है और उनका के पूरी रीति से क्षमा करी है। काहे कि तोहनी लोग खुशी के साथ जईब और शांति के साथ पहुँचावल जीब। यीशु जी विनती करते हमरे इकलौती बेटी के बचा ली दया करी। वो सिर्फ 12 वर्ष के भी आ और वो मुहे पर भी आ कृपा करके हमरा संगे चले। बड़ी दुख के बात बा यीशु जी। और बेटी मुगोरी गुरु जी के परेशान मत करी। डरा मत, केवल विश्वास रख तो ठीक हो जाई। तोहनी लोग मत रो, वो मुआल नहीं खे बल्कि सुतल भी है। ए लड़की उठ। एकरा के कुछ खाए के दजा एजा जे भइल केहू से मत कहिया जा। एकरा बाद मती लेवी नाम के एगो चुंगी लेवे वाला चुंगी लेवे खातिर चौकी पर बैठल देखलन। होला
यीशु जी पहाड़ पर प्रार्थना करे खातिर गोइले और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करे में रात बितौलन। जब दिन भइल त यीशु अपना बारहों चेला लोग के प्रेरित नाम दे के अभिवादन कइले। शिमोन जेकर नाम उपत्रस भी रखलन और उनकर भाई अंद्रियास, याकूब, यहुन्ना, फिलिपुस, बर्तुलमई, मती, थोमा, हल्फई के बेटा याकूब, शिमोन जे जिलोतिस कहत रहे और यहूदा याकूब के भाई और यहूदा इस्करियोती जे उनकर पकड़वाए वाला रहे। जे मन के दिन बड़ा कहे कि परमेश्वर के राज तू लोग के होई। धन्य बड़ा जे अब भूखा बड़ा कहे कि तू लोग तृप्त कर जीवा। धन्य बड़ा जे अब रोवा तड़ा कहे कि तू लोग हंसवा। धन्य बड़ा जे जब मनुष्य पुत्र खातिर लोग तोहनी लोग से बैर करिए, निकाल दी है, निंदा करिए और तू लोग के बुरा भला कहियन, तब खुश होके आनंद से उछलिय कि तू लोग खातिर सड़क के बड़ा प्रतिफल बा। कहे कि वहन लोग के बाप दादा भी नबी लोग के संगे हसी कैलन। सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, हमारा पास तो इतने का मतलब है? है तू लोग पर जे अब धनी बड़ा, तू लोग अपन सुख शांति पा चुकल। तू धनी बने नहीं के चाहत, तू जरूर पागल होई। है तू लोग पर जे अब हंसत अड़ा, कहे कि तू लोग सुख करबा और रोईबा। हाँ, जब सब मनुष्य तू लोग के भला कही है, काहे कि उनका बाप दादा झूठा भविष्यता के साथ भी ऐसे ही कही लें। लेकिन हम तू लोग से कहा था नहीं, अपना बैरी से प्रेम करी है। जे तू लोग से घृणा करे ओकर भला करी है, जे श्राप दे ओकरा के आशीर्वाद दी है, जे विश्वास ना करे ओकरा खातिर दुआ करी है। यदि कोई तू लोग के गाल पर थप्पड़ मारे तो ओकरा और दूसर भी फेर दी हा। जे तू लोग के दोहर छीने तो ओकरा के कुर्ता भी दे दी हा। जे तुहरा समांगे ओकरा के दे दी हा। जे केहू तो हर चीज छीन ले तो ओकरा से वापस मत मंगी हा। जैसन तू लोग चाहत तड़के लोग तारा साथ करस, वैसे ही तू लोग भी उनका साथ कर। यदि तू लोग केवल अपना प्रेम करे वाला से प्रेम करेला तो तू लोग के काहे आशीष मिली? काहे कि पापी भी अपना प्रेम करे वाला से प्रेम कर लन जा। यदि तू अपना भलाई करे वाला संगे भलाई करेला तो तू लोग के काहे आशीष मिली? काहे कि पापी भी ऐसा ही कर लन जा। कैसे छू सके से कहीं से बात कर सकेल? जी सर।
नहीं, अपना बैरी से प्रेम कर और भलाई कर और पावे के आशा न रख के उधार द, तब तू लोग खातिर बड़ा प्रतिफल हुई और तू लोग परम प्रधान परमेश्वर के संतान ठहरब। वह भागा और दुष्ट पर भी कृपालु बढ़े, जैसे पिता देवान बढ़े वैसे तू लोग भी देवान बना। हमनी के बचाई यीशु, दोष मत लगाओ तो तू लोग पर भी दोष ना लगी, दोषी ना ठहरब तो तू दोषी ना ठहरब, क्षमा करब तो तू लोग के भी क्षमा कर जाई। प्रभु जी हमार अगुवाई करी। द तो तू लोग के भी दिहल जाई, कहे कि जे नाप से तू लोग नापे ला वही नाप से तू लोग के नापल जाई। एक अनहर दूसरा अनहर का रास्ता ना दिखा सकेला, ऐसा करी हन तो दोनों गढ़ा में गिरी हन। अपना अकेला ठा लौकत नहीं के, अपना भाई के आके तिनका काहे दिखा तड़ा। हमनी के रास्ता दिखाई गुरु जी। हमनी के राउर जरूरत बा, वो मतारी कितना धन बिया जे तोहरा के जन्म दियाला सर। वो कितना भगवान बा जे परमेश्वर के वचन सुने लन और माने लन। ई आदमी के हम जाने चाहता नहीं, तू तो कहाँ सोचा था असी हो सके लन। उ फरीसी यीशु के अपना साथ खाना पर बुलौलस। यीशु ओकरा घरे गइलन और भोजन करे खातिर बैठलन। बच्चा लोग आओ, एजा से भागा जा, बात नहीं खा सुनात जा। ई छोट लेकन बहुत तंग केलन सन। ओई जा काहे आइल नहीं के जानत। अगर ये मनुष्य चाहो कि बस भक्त रहतन ते जान जेतन की कैसन मेरा रूह जिनका के छू दिया, ये वो जान जेतन की कितना पाप में जीवन बिताओ दिया। हम जाना तनी ये कैसन मेरा रूह है शमौन, हम तारा से कुछ कहल चाहते नहीं। ये गो महाजन के दूगो कर्जदार रहलन, एक ऊपर 500 और दूसरा पर 50 सिक्का रहे, दोनों दे ना सकत रहलन, ये से दोनों के कर्जा माफ कर दिलस। ये दोनों में से केवल उनका के अधिक प्रेम करी। हम सोचता नहीं कि वो है जे करत का कर्जा माफ हो गई। ठीक कहा तड़ा, तू ये मेरा रुक देखा तड़ा, जब से हम तुम्हारा घर आई नहीं तू हमार गोड़ धोवे के पानी न देला, बल्कि ये आके अपना लोर से हमार गोड़ धोलस और बार से पछलस। तू हमार स्वागत चुमू लेके न कैला, बल्कि तबे से ही हमारा गोड़ के चुमा ले ना छोड़लस। तू हमारा कपार में तेल ना मलल, लेकिन ई औरत हमारा गोड़ पर इतर डललस। हम तारा से बताओ थनी, इतना बड़ा प्रेम जे ई देखौला साबित होता कि ओकर बहुत से पाप क्षमा हो गई, लेकिन जेकर थोड़ा माफ भइल बा उ थोड़े ही प्रेम करी। हर पाप माफ हो गई, तुहार विश्वास तारक बचा ल, शांति से जा। हम और यीशु परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनावत यात्रा करे लगलन। उनकर 12 चेला और कुछ मेहरारू लोग जिनका में से भूत निकालल रहे उनका संगे गईली। मरियम जे मगदलीनी कहात रहे, योन्ना जेकर पति खोजा हेरोदेश के दरबार में भंडारी रहे, और सुसन्ना।
बाकी गलील राज में नियुक्त रोमी शासक हेरोदेश यहुन्ना बपतिस्मा देवे वाला के कैद में डलवा दिलन, काहे कि यहुन्ना उनका पर अपना भाई के मेहरारू से विवाह कैला खातिर दोष लगावले रहन। का हो? जब हमनी का नई नगर के फटक के पास पहुँचनी जा तो लोग एक मुर्दा के बाहर ले जाते रहे जे एक विधवा माँ की एक ही बेटा रहे। यीशु ओकरा के देख के तरस से बाहर गोइले, वो अर्थी के छू के कहले हे जवान हम कहते नहीं तो उठ। तब मुर्दा उठ के बैठ गोइल। एकरा बाद यीशु ओकरा के ओकरा माई के सौंप दिहले। उनका से पूछा का तू उहे हवा जे यहुन्ना से कहले रह कि आइब या हम दूसरा के बाट जो ही। गुरुजी, गुरुजी, यहुन्ना बपतिस्मा देवे वाला हमने की पूछे के भजले बाड़े कि तू या होवा जे आवे वाला बा या दूसरा के बाट जो ही जा। तू जो सुनत और देखत रह जा के यहुन्ना के बताओ कि अंधा देखत रहे लंगड़ा चलत रहे धन बड़े ऊ जे हमरा पर संदेह ना करलन। बाबा हमरा के गोदी में उठाव, कंधा पर धर। हमरा कान पर चढ़ जो का अब तोरा लौकता। हम यीशु के देख सकता नहीं। एक बीज बोए वाला बीज बोए निकलल और वो बीज छिटलस तो कुछ रास्ता पर गिरल उरौंदा गई और चिड़ै चुगली सन। कुछ बिया पथरीली जमीन पर गिरल जब अंकुर आइल तो नमी ना मिलला से झुलस गई। कुछ बिया कटीली झाड़ी में गिरल और पौधा के संगे झाड़ी बढ़ के ओकरा के दबा दिलस। कुछ बिया अच्छा जमीन पर गिरल और पौधा बढ़ के बहुत फरल, ये वो 100 गुना फरल। गुरुजी, जब भीड़ घेर ले रहेला तो काहे रउवा दृष्टांत में बतियाई ना। परमेश्वर के राज के भेद के समझ तोहनी लोग के देल गुल बा, लेकिन दूसरा के दृष्टांत में बतावल जला ऐसे कि वो लोग देखते हुए भी ना देखेलन और सुनते हुए भी ना समझेलन। दृष्टांत का मतलब यह बा बीज परमेश्वर के वचन है। मार्ग के किनारे गिरल बीज दिखावत है कि वो लोग परमेश्वर के वचन सुनेलन, लेकिन शैतान आके उनका मन में से वचन उठा ले जाला, यही खातिर कि वो न विश्वास करिए और न बची है। पथरीली भूमि पर गिरल बीज दिखावत है कि वो लोग परमेश्वर के वचन सुनेलन और खुशी से ग्रहण करलन, लेकिन उनका भीड़ जड़ नहीं खे। वो लोग थोड़े देर खातिर विश्वास करेलन और जब परीक्षा के समय आवेला तो वो लोग गिर जालन। जवन बीज कटीली झाड़ी में गिरल ऊ दिखावत है कि वो लोग दुख तकलीफ धन और संसार के भोग विलास में फंस जालन और ओकर फल कभू न पावेलन। जवन बीज अच्छा जमीन पर गिरल वो दिखावत है कि वो लोग वचन सुनेलन और अच्छा मन में संभाल के रखेलन और फल आवे तक वो लोग धीरज धरेलन। केहू दिया बार के बर्तन से ना ढकेला या खटिया के नीचे ना रखेला, बल्कि ओकरा के दीर्घा पर रखेला जैसे भीतर आ वाला जोर के देख सके। जे कुछ छिपल बा वो बाहर लेवल जाई और जे कुछ ढापल बा वो अंजोरा में प्रगट कर जाई। चौकस रह तू कैसे सुना तड़ा, कहे कि जकरा फिर बा ओकरा के और दिहल जाई, लेकिन जकरा पास नहीं खे ओकरा फिर जौन कुछ बा वह भी ले लिया जाई। गुरुजी, और माई और भाई लोग रुआ से मिले खातिर बाहर खड़ा बन जा। हमर माई और भाई लोग वह है जो परमेश्वर के वचन सुनेलन और मानेलन।
एक दिन यीशु अपना चेलन के साथ नाव पर चढ़लन और उ लोग से कहलन, आवा हमनी के झील के ओपार चली जा। और जब चेला लोग नाव खेवत रहे तो यीशु सूत गईलन। विश्वास कहा और वो लोग गलील से झील के ओ पार गिरासेनियो देश की ओर चल गए। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तोरा का काम बा? हम विनती करते नी कि हमरा सजा मत दे। तोर का नाम बा? सेना। प्रभु जी, हम तोरा से विनती करते नी कि हमनी के अधा गढ़ा में मत जाए दी। हमनी का स्वर्ग का गोल में घुस दी। तब दुष्टात्मा वो मनुष्य में से निकल कर सुरन में समा गई ली सा। वापस आ! इधर चल जा। तू जादूगर हवा, हमने के छोड़ दा, हमने के छोड़ के इधर चल जा, चल जा, चल जा। रुआ जहाँ जाइब हम रुआ पीछे आइब। हमरो के ले ले चली। घर जाकर बतावा कि परमेश्वर तारा संगे काका के लिए बनान। ए बात के पता लाग गोइल तो लोग उनका पीछे लाग गोइलन जा। गुरुजी,
लोगन के विदा करी कि आसपास के गांव में जाके आपन खाए पिए और रहे के इंतजाम कर लेस जा। ये तो एकदम सुनसान जगह बा। तू लोग खुद ही लोग खाए के दा। लेकिन हमने के पास तो खाली 5 रोटी और 2 मछली बा। धन है हमनी के प्रभु परमेश्वर, सब संसार के राजा, जे धरती से अन्न पैदा करेला। विश्वास करला के नहीं खेल। लोग हमरा के का कहला? केहू कहला कि रउआ यहूना बपतिस्मा देवे वाला हई, केहू कहला कि एलिया, और दूसर लोग कहलन कि भविष्यवक्तन में से एक ह जे फिर से जी गोइल बा। तू का सोचेला? तू हमरा के का कहला? रउरा परमेश्वर के मसीह हई। ये बात केहू से मत कहिया जा कि मनुष्य के बेटा के बहुत दुख उठावे के पड़ी और तू जान के मार डली है, लेकिन 3 दिन के बाद जी उठी। केहू हमरा संग चली? गुरुजी हम रउरा पीछे चला, बाकी पहले हमरा के घर जाए दी कि परिवार से भेंट कर आई। जे केहू हल पर हाथ रख के पीछे ताकेला उ ईश्वर के राज्य के योग नहीं खे। जे केहू हमरा साथ आवे चाहेला तो उ अपना आप से इनकार करके रोज अपन क्रूस उठा के हमरा पीछे चले। जे केहू अपना प्राण के बचावे चाहे तो ओकरा के खोई, और जे केहू हमरा खातिर अपना प्राण के गवाई ओकरा के बचा ले। अगर एक आदमी पूरा संसार के पा लेवे और अपना आत्मा के खो देवे तो ओकरा का लाभ होई? अगर केहू हमरा शिक्षा से और हमरा से लजाई तो मानव पुत्र भी जब अपना और अपन पिता और पवित्र दूतन के महिमा के साथ आई है तो ओकरा से लजाई है। हम तरह से साँच कहते तोहरे लोग में से कुछ आदमी ऐसा न बा कि जब तक परमेश्वर का राज देख ना ली तब तक ना मोई। तब यीशु यहुन्ना याकूब और पतरस के लेके पहाड़ पर प्रार्थना करे गोइलन।
और जब वो प्रार्थना करत रहन उनका चेहरा के रूप बदल गईल और उनकर कपड़ा उजर चमचमाए लागल। एक बे एक उनका से दो आदमी बात करत दिखाई दिलन। वो लोग मूसा और एलिया रहन जे स्वर्गीय महिमा में प्रकट भइले। तू परमेश्वर की योजना पूरा करवा, तू यरूशलेम में मर जाइबा। जब वो लोग ओ स्थान से चलल लोग तो पतरस यीशु मसीह से कहलन, हमनी के एजा रहती जा तो कतना अच्छा हुई, हमनी के तीन तंबू बनाई जा, एगो रौरा के, जैसे ही कि पतरस कहत रहन, एगो मूसा के और एगो, तो एगो बादल उ लोग के घेर लिहलस और चेला लोग डेरा गुइले और बादल में से एगो आवाज आइल, ई हमार बेटा हवे जेकरा के हम चुनले बानी, इनकर सुना। से विनती करता नी, हमरा बेटा के देखी, दया करके मदद करी, काहे कि हमारे एक ही बेटा बा। हम रउ चेलन से अर्ज कनी कि ए में से भूत के निकाल द, पर वो लोग ना निकाल सकले। हे अविश्वासी और हटी लोग, हम कब तक तोरा लोग के संगे रहब और सहत रहब? अपना बेटा के एहिजा ले। के प्रार्थना करे सिखाई जैसे यहुन्ना अपना चेलन के सिखौलन। जब प्रार्थना करत ई कहिया, हे हमार पिता तू जो स्वर्ग में बाड़, तुहार नाम पवित्र मानल जाए, तुहार राज्य आवे, इसे तुहारी इच्छा स्वर्ग में पूरा होला से धरती पर भी हो। दिन भर की रोटी आज हमनी के दी, जैसे हम अपना अपराधिन के क्षमा करी ला, वैसे हमारा अपराध की क्षमा करी, हमरा के परीक्षा में मत डाली बल्कि बुराई से बचाई। बांगा तो तू लोग के मिली, ढूंढा तो तू लोग पाइबा, खटखटाव तो तू लोग खाती दरवाजा खोलल जाई, काहे कि जे कहूँ मांगेला ओकरा मिलेला, जे कहूँ ढूंढेला ऊ पावेला, जे कहूँ खटखटावेला ओकरा के दरवाजा खोलल जाई। तोहनी लोग में से कोई ऐसन पिता बा कि जब ओकर बेटा मछली मांगे तो ओकरा के सांप दी और अंडा मांगे तो बिच्छी दी? जब तू लोग बुरा होके अपना लैकन के निमन चीज देवे के जानेला तो स्वर्ग पिता ऐसे कतना अधिक महान बाणे
कि मांगे वाला के पवित्र आत्मा अवश्य दी है। हम तारा से कहते अपना जीव की चिंता मत कर कि का खाई ना अपना देह के कि का पहिरब, काहे कि भोजन से जीव और बस्तर से देह बढ़े के बा। कौवन पर ध्यान दो, ना बोवेलन ना काटेलन ना ओहनी के बखरा ना कोठिला होखेला, तबहू परमेश्वर ओकन के खियावेलन। तू लोग चिड़ियन से कितना मूल्यवान बाड़ा। तू लोग में से कोई चिंता करके अपना जीवन के को दिन बढ़ा सकेला? अगर तू लोग इतना छोटा काम भी ना कर सकेला तो और बात के कहे चिंता करेला? शोषण के फूलन के देखा कि वो कैसे बढ़ेला, वो ना मेहनत करला ना कातेला। तबहू सुलेमान राजा भी इनमें से एको कैसन सुंदर वस्त्र ना पहन ले। ये खातिर अगर ईश्वर घास के जियाज बाकाल आग में झोंकल जाइए ईश्वर पहिरावेलन, तो कितना सच बा कि ईश्वर तुहरा के पहिरही हन। हे अविश्वासी लोग, हमनी के विश्वास के बढ़ाओ। अगर तुहरा लोग के राई के दाना के बराबर विश्वास होई तो तूत के पेड़ से कहब जड़ से उखड़ के समुन्द्र में लग जा, तब वो तोहरी लोग के बात मानी। पाप करे में तो अनेक परीक्षा वेला, पर हाय वो आदमी पर जकरा सुहावेला जेन छोटकन में से एक ठोकर खिया ओकरा के ई भला होई कि भारी पत्थर ओकरा गला में बांध के समुंदर में डाल दिया जाए। परमेश्वर के राज केकरा समान बा? वैसन बा एक आदमी राई के दाना अपना खेत में बोलस, वो पौधा बढ़ के फेड़ हो गई और चिड़िया ओकरा डाढ़ी पर बसेरा करे लगली। सर हमरा नहीं खेत बुझात कि उका बतियावत बा। महसूल ले वाला और पापियन के साथ का एक हाथ पियत बाला। भला चंगा आदमी के बैद की जरूरत ना पड़ेला, पर रोगियन के, हम धर्मियन के ना, पर पापियन के मन फिरावे के बुलावे एल बनी। सोर के राज के बारे में कुछ और बताएं, कुछ और ही बात। ए छोटा झुंड मत डेरा, काहे कि तुहरा पिता के यह भावल कि तुहरा के सड़क करा दे, अपन धन संपत्ति बेच के गरीबन के द, अपना खातिर ऐसा बटुआ बनाओ जे नाश ना हो और अपन धन सड़क में जमा करा जे कभू कम ना होई। काहे कि कोई चोर वहां ना पहुंच सकी और कीड़ा नाश ना कर सकी। जहां तुहार धन रही वही जे तुहार मन भी लागल रही। हे नारी, तू अपना दुर्बलता से छूट गई। देखा देखा वो बिल्कुल चंगा हो गई। कैसा अचंभा के बात पर वो चंगा हो गई। आवा जा और ओकरा के देखा जा। हाँ, हाँ, पर, 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 मैं सोहर की स्तुति हो। हम 18 साल से दुखी रानी, पर मैं सोहर तोरा के सुखी रखे। गुरुजी काम करे के हमनी के 6 दिन बा वही में से कहियो आकर चंगा होखा, लेकिन सबत के दिन ना। हे कपटी लोग, का तोरे लोग में से के उस सबत के दिन अपना बैच चाहे गधा के कूटा सुखोन के पानी पियाव के ना ले जाला? और यहाँ पर स्त्री भी इब्राहिम के वंश के हो, जेके शैतान 18 बरिस से बंधन में रखले रहे। का ये उचित लिखे कि सबत का दिन ओकरा के छुड़ावल जाए?
हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन पावे खातिर हम का करी? तू हमारा को उत्तम काहे कहता? परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम लिखे? तू आज्ञा सब जानता, व्यविचार मत करी, हत्या मत करी, झूठा दोष मत लगाई और अपन माता पिता के आदर करी। हम तो लड़का ही से इस आज्ञा के मानत अली हाँ। तारा और एक काम करे के बाद अपन सब कुछ बेच के कंगालन के बांट द, तो सरग में तोहरा के धन मिली, तब आके हमारा पीछे होला। लेकिन हम तो व्यापारी हैं, धनी लोग। धनी आदमी के परमेश्वर के राज में प्रवेश कर कितना कठिन बा। धनवान के परमेश्वर के राज में प्रवेश करे से ऊंट के सुई के छेद में से निकल गुल सहज बा। तब केकर उधार हो सकेला? जे मनुष्य खातिर असंभव बा, परमेश्वर खातिर संभव बा। ठीक बा, परमेश्वर के राज फिर कहाँ पर होई? परमेश्वर के राज प्रगट रूप से ना आवेला, केहू ना कह सकेला कि देख वही जा बा कि यही जा बा, काहे कि परमेश्वर के राज तोहरे लोग में बा। वो दिन आए वाला बा कि तू लोग मनुष्य पुत्र के दिन में से एक दिन देखे चाहब पर ना देख पाई बा। जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरा छोर चमकेला, वैसे मनुष्य के पुत्र भी अपना दिन में प्रकट हुई हैं। लेकिन पहले जरूरी बा कि वो बहुत दुख उठी हैं और वह दिन के लोगन से तिरस्कृत हुई हैं। आकाश और धरती के टलगुल सहज बा, पर व्यवस्था के कहूँ बिंदु ना मिट सकेला जे पूरा ना हुई। हम तोहनी लोग से कहतनी कि बहुत राजन और भविष्यक्तन ने जे तू लोग देखा तड़ा और सुना तड़ा, देखे और सुने चाहत रहलन, बाकी ऐसा ना कर सकलन। हमने के का करे के चाहे? धर्म शास्त्र का कहता, तू अगर का माने निकाले ला? तू प्रभु अपना परमेश्वर के अपना सारा मन सारा प्राण सारा शक्ति सारा बुद्धि से प्रेम रख और अपना पड़ोसी से अपना लेखा प्रेम कर। तू ठीक कहता रहा, ऐसा ही करा तो तू जियत रहबा। हमार पड़ोसी के बा? उ सिपाही ना हवा सा। और कैसर के बारे में? एक समय एक आदमी यरूशलेम से एरिहो जात रहे, राह में डाकू ओकरा के घेर के मरले पिटले और अदमुआ करके छोड़ के भाग मिले। ऐसा भइल कि एक याजक वो राह से आई और वो आदमी के देख के दूसरा रास्ता से चल गई। वैसे ही एक लेवी भी वही जाई, ओकरा पास गोइल, देख के कतरा के चल गोइल। लेकिन एक सामरी जो वही राह से आवत रहे, घायल आदमी के देख के ओकर मन दया से भर गई। तब ओकरा पास गोइल, घाव पर तेल डाल के पट्टी बांधलस और अपना सवारी पर लेके सेवा खातिर सराय में ले गई। दूसरा दिन वो सराय के मालिक के दो चांदी के सिक्का दे के कहलस, एकर अच्छा से सेवा करी, जे कुछ और लागे जब हम लौट के आए तो दे दे। ये तीनों में से के घायल मनुष्य के संगे एक पड़ोसी के कर्तव्य कैलस? जे ओकरा पे दया कैलस। तू लोग भी वैसे ही कर। हाँ, ये छोटा बच्चन के हमारे पास आवे द, मना मत कर, कहे कि स्वर्ग के राज ऐसाने के बाद। हम तो इन लोग से सच सच कहते नहीं, जे केहू छोटा बचन के समान सरग के राज के ग्रहण ना करी तो केहू तरह से हमें प्रवेश ना कर सके हैं। जे केहू हमारा नाम से ही बचन ग्रहण कर लाऊ हमारा के ग्रहण करेला, और जे हमारा के ग्रहण कर लाऊ हमारा भेजे वाला के ग्रहण कर ला, कहे कि जे तुहारा में सबसे छोटा बा सबसे महान बा। यही रास्ता से जा रहा बाड़े। यीशु, यीशु,
दाऊद के संतान हमारा ऊपर दया करी। तू हमारे से कहा चाहता कि हम करी? हम देखे चाहता नहीं। तब देखा तो हर विश्वास तारा के निमन कैला से हमरा लौकता हमरा लौकता हम देखे लगनी। लोग उनका के प्रभु और गुरु जान के ग्रहण करे शुरू करे लगलन। हाली उतर आओ जे कही आज हमरा तोहरा घरे ठहरल जरूरी बा। हमरा घरे ये ओकरा घरे रह चाहिए। अरे जकाई कैसे यीशु को जानता ना? सुनी जा, हम अपन आधा संपत्ति गरीबन के दे देव। अगर हम केहू के धोखा दे बानी ओकरा के चौबरी फेर दे। विश्वास से नहीं खे एगो चुंगी ले वाला चुंगी वापस कर दी ना ऐसा हो ही ना सकेला। आज घर में उधार आई बा कहे कि ही आदमी भी इब्राहिम के वंश के आवन मनुष्य के पुत्र खोवल लो के ढूंढे और बचावे आइल बड़े। सुना हमने के यरूशलेम जाता नहीं जा जहाँ भविष्यक्तन मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखले बड़े वो सब कुछ पूरा हुई वन्य जातियों के हाथ में सौंपल जी है वो उनका ठट्ठा उड़ी है उनका बड़ा दुर्गति करी है उनका पर थुकी है और कोड़ा मार के मुआ दी है। बाकी तीसरा दिन वो जी उठी है। मनुष्य के पाप खातिर मारल जाइब ई जान के भी यीशु यरूशलेम गोइलन। बहुत से लोग उनका अइला पर खुशी मनौलें और उनका के राजा मान लीलन जा। अपना चेलन के चुप रहे के डांटी हम कहा था नहीं अगर ये लोग चुप रही है तो पत्थर अपने से चिल्लाए लगी है। शांति आदर आनंद होके ये
यीशु जी यरूशलेम के नीचा गोइलन तो के देख के रोए लगलन। कितना अच्छा हुई अगर तू ये दिन शांति के बाद जान लेता, बाकी तू समय के ना पहचान ला। वो दिन आओ तो जब तहार दुश्मन मोर्चा बांध के तुहारा के घेर लिए और चारों ओर से तुहारा के दबाई है और यही दीवारन के बीच माटी में मिला दिए, तू और तुहारा लेखन के और तुहारा में पत्थर से पत्थर भी ना छोड़िए। कहे कि परमेश्वर जब तुहारा के बचाव चाहे तो तू समय के ना पहचान ला। यरूशलेम के पवित्र मंदिर आराधना के स्थान होके के बदले व्यापार के अड्डा बन गिल रहे। पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस तनी बहुत से लोग उनके लगा राजा मान ले बड़ा देखो राजा हे भिखार वेशवा और चोरन के राजा हमने का बहुत ऐसन के देखले बन जा उ आवलन दावा करलन चल जालन और उनका भुला जा। आनर मत बना ओकर अनुहाई रोजे बड़ा ताने लोगो करा के सराहता सोचा हुए के राजा हवन हम तोनी लोग के चितावत तनी अगर ई आदमी और शांति भंग करी तो एक के जिम्मेदार तुलोख बजा। ओकर बात ठीक हो सकेला, ई गलीलियन से सामना करे के समय आ गइल बा। जब कपटी याचकन और शास्त्रियन के झुंड पर यीशु के उपदेश से दोष लगावल बढ़त गइल तब यहूदियन में उनकर अनुयायी बढ़े लगलन, वैसे ही उनकर विरोधी लोग भी बढ़त गइलन। बहुत कम बा का तू अधिकार ना दे सकलो हम कहता नहीं ये विधवा सब लोग से बेसी देलस काहे कि दूसर लोग अपना धन के बढ़ती में से देलन बाकी ही कंगाल अपन सब जिया का दे देलस। हमने के बताओ ये सब कहे के तोर का अधिकार बा तोरा के ये अधिकार के देले बा। हम तू लोग से एक सवाल पूछे तनी बताओ यहूना के बपतिस्मा देवे के अधिकार परमेश्वर से या मनुष्य से मिलल रहे। हमने के का कही जा हमने का कही जा परमेश्वर का ओर से तब कही काहे तू लोग यहूना पर विश्वास ना करेला जा। अगर हमने कही है मनुष्य तो इस समूचा भीड़ हमने के पत्थर मारी सब लोग जानत रहे कि यहूना एगो भेषोक्ता रहे। हमने के नहीं के मालूम हो कहां से आयल तो तू लोग के हमहू ना बताए कि हम कौन अधिकार से ही करत हनी। एक खाली एगो आदमी अंगूर के बाग लगा के ठेकेदारन के साझा में दे देलस और बहुत दिन खातिर दूर देश चल गई। जब अंगूर बटोरे के समय आयल तो एगो दास के अपन फसल के
हिस्सा ले आवे के ठेकेदारन के पास भेजलन, बल्कि ठेकेदार लोग दास के मारपीट के खाली हाथ भेज दिले, तब वो दूसरा दास के भेजलन। लेकिन ठेकेदार लोग ओकर के भी मरलन और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिलन जाए, तब वो तीसरा दास के भेजलन। लेकिन ठेकेदार लोग ओकर के घायल करके बाहर फेंक दिलन। तब अंगूर के बारी के मालिक अपना मन में कहलन, अब हम का करी, हम अपना प्यारा इकलौता बेटा के भेजब, जरूर लोग ओकर आदर करिए। लेकिन जब ठेकेदार लोग ओकरा के आवत देखलन, तब आपस में कहलन, ये तो मालिक के बेटा है, आओ एकर के मुआ दी जा कि कुल संपत्ति हमनी के हो जाए। और ये बताई, हे से ऊ लोग ओकरा के अंगूर के बारी से बाहर ले जाके मार दिलन जा। देखो तब अंगूर के मालिक उ लोग के साथ का करेलन, मालिक उ लोग के मार के अंगूर के बारी दूसरा ठेकेदारन के दे दिए। तभी बच्चन के का मतलब बा, जौना पत्थर के राजमिस्त्री लोग निकम्मा ठहरावले, उहे सबसे बढ़िया हो गई। जे के हुए पत्थर पर गिरी चकनाचूर हो जाई, और जेकरा परी पत्थर गिरी वो पिसा के चूर हो जाई। गुरु, हमने के जाना तानी जा, जे तू कहेला और सिखावेला वो ठीक बा, और तू आदमी के ओहदा पर ध्यान ना देला, लेकिन मनुष्य खातिर परमेश्वर की इच्छा सच्चाई से सिखावेला। बताओ, का रोमी राजा के कर दिहल नियम के विरुद्ध बा की ना? संजत राय प्रभु, वो फसावा चातल। हमरा के वो चांदी के सिक्का दिखावा। ये पर केकर चेहरा और नाम बा, जन कैसर के हा, वो कैसर के दा, और परमेश्वर के हा, वो परमेश्वर के दा। बताओ एकर का उत्तर भाई। तब अखमीरी रोटी के पर्व जे फसा कहात रहे निकचाइल रहे। और यीशु सीमोन पतरस और यहुन्ना के फसा के भोज तैयार करे के पहले भेजलन। लालसा रहे कि दुख भोगे से पहले फसा का भोज तो नहीं लोका संगे खाई। हम तो लोग से कहा था नहीं, जब तक परमेश्वर के राज में कर मतलब पूरा ना हुई, तब तक हम करे कबो ना खाई। धन्य हवा तू प्रभु परमेश्वर सृजनहार, जे अंगूर में फल फरावेलन। ई लौर एकरा के आपस में बांट ल। तरस कहत कि जब तक परमेश्वर करा जाना जी, तब तक हम दाह के रस कहू न पियब। धन्य हो तू प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, जो कि धरती से अन्न उपजावेल। ये हमार देह जो तुहारा खातिर दिहल जाता, हमारा यादगारी में ऐसे ही करी है। ये प्याला हमरा लहू में जो तहारा खातिर बहावल गई नया वाचा है, लेकिन देख हमरा पकड़वाए वाला के हाथ हली में हमरा साथे बा। सच बा, मनुष्य के पुत्र परमेश्वर का ओर से ठहरावल रहे कि मारल जाए, लेकिन हाय ओकरा पर जेकरा जरिए वो पकड़वावल जाए। ये ना हो सकेला, कबो ना हो सकेला, ये ना हो सकेला, ये तो हो ही ना सकेला। तो के पास के नाम बताओ प्रभु।
तुहरा में जो सबसे बड़ा बा छोटा के समान और अगुआ सेवक के समान बने। काहे कि बड़ा के बा वो जो भोजन करे बैठल बा या जो परोसा था वो है जो भोजन करे बैठल बा। बल्कि हम तोहनी लोग के बीच परोसे वाला बनी। तू लोग सब परीक्षा में हमारा साथ रहला जैसे हमारे पिता राज करे के अधिकार हमरा के देले बने वैसे ही हमहू तोहनी लोग के अधिकार देता नहीं। तू लोग हमारा साथ हमारा राज में खइबा और पियबा और तू लोग सिंहासन पर बैठ के इसराइल के 12 गोत्र पर राज करवा जा तब तक केहू धोखेबाज नहीं के। समाउन समाउन देखा शैतान तोहनी लोग के जांचे चाहता कि अच्छा के बुरा से अलग करे जैसे किसान गेहूं से भूसा अलग करेला। लेकिन हम तुहरा खातिर प्रार्थना कैले बानी कि तुहार विश्वास मिट न जाए और जब तू हमरा और लौटी हा तब अपना भाइयन के स्थिर करी। प्रभु हम तुहरा संगे जेल में जाए के और मरे के भी तैयार। हम तरस पतरस आज ये मुर्गा के भांग देवे से पहले तू हमरा के जान के तीन हाल इनकार करवा। जब हम तुम लोग बिना बटुआ झोली जूता के भेजनी तो कोई कमी भइल ना कुछ ना। पर आप जेकरा पास बटुआ और झोला बा जरूरे ले ले। जेकरा पास नहीं खे वो अपन कपड़ा बेच के वो किन ले। हम तुम लोग से कहता नहीं शास्त्र में लिखा हुआ कि वो पापियन के संगे गिनल जाई और ये बात हमारा बारे में साँच होता है। देखें ये दू गो तलवार बा प्रभु। यह ढेर बा। और यीशु से छुटकारा पावे खातिर धर्मी अगुवन के एगो सभा भइल। तब शैतान यहूदा के मन में समा गइल। उ स्क्रूति का हाथ रहे जे 12 चेलों में से एक रहे। यहूदा अगुवन से मिल के यीशु के पकड़वाए के योजना बनौलस। यीशु यरूशलेम छोड़ के जैतून के पहाड़ पर दुआ करे चल गुइले। प्रार्थना करा कि तू परीक्षा में मत पड़ा। यहूदा स्क्रूति खाली 30 चानी के सिक्का खातिर यीशु से विश्वासघात कैलस। यीशु जानत रहन कि मनुष्य जात के पाप खातिर प्राण देवे के घड़ी निकचा गुइल बा और उ प्रार्थना कैलन। पिता अगर तू चाहा तो ये कटोरा हमारा पास से हटा लो ताकि हमारी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा पूरा होके। एगो स्वर्गदूत उनका के सामर्थ देवे खातिर सड़क से आइल। उनकर पसीना लहू के बड़ बड़ बूंद ऐसन धरती पर गिरत रहे। सुतल बड़ा जा उठा जा प्रार्थना करा कि परीक्षा में मत पड़ा जा।
बेहुदा। कह तो चू माले के मनुष्य के पुत्र के पकड़ा उतरा। प्रभु क्या हमने तलवार से मार दिया? अब बस करा। अरे अचरज के काम बा का तू लोग हमरा के डाकू जान के लाठी और भाला लेके आइल बाड़ जा। जब हम मंदिर में हर दिन तोहनी लोग का संगे रहली तब तू लोग हमरा के ना पकड़ ला। बाकी तोहन लोग के घर ही है। जब अंधकार का अधिकार बा एकरा के पकड़ ला। ठीक से रखवाली करो। तब सिपाही लोग उनका के आंगन में ले गईलन और यहूदियन के राजा कह के ठट्ठा कैले। ये राजा के कपड़ा तो देखो। तो बताओ का होके वाला बा? हे राजा का तू हमने के बचाई बा? का तू हमने के बचा ले बा? ये आदमी भी यीशु के संग रहे। ए मेहरारू हम तो करा के जानता हूँ नहीं की। हम दोनों के एक संग देखली। तुहार चट दासन बड़ा बहन तोरा ला। अब कैसा लगता? तू तो वानिए में के एगो हवा ना। हम ना हई शक नहीं के ये आदमी यीशु के संगे रहे। साथ ही भी तो गलरी है। अरे जा जा हमारा नइखे बुझात कि तू लोग का कहत है। यीशु घूम के पतरस के ओर देखलन। तब यीशु के कहल बात पतरस के याद पर गुइल कि आजवे मुर्गा के बांग देवे से पहले तू हमरा के तीन बार इनकार करबा कि तू हमरा के नइखा जानत। हे प्रभु हमने के माफ कर। आपन शक्ति के महानता के अनुसार जे चाह से कर। हे प्रभु जब हमने के बाप दादा लोग तोहार खिलावत कईले तब तू नाराज रह। फिर भी ओहनी के नाश ना कईला बल्कि माफ कईला। तू अपन प्रेम वाचा और विलासता ओहनी के कारण बचा लिया ला। हमनियों के भी क्षमा करी। बताओ तोरा के क्या मर ले? तोरा के फिर क्या मारी? रुक हम कहते नहीं रुक। एक सभा के सामने नहीं है। जा यीशु पर दोष लगावे खातिर धार्मिक लोग के एगो सभा बुलावल गोइल।
हमने के बता का तू मसीह हवे? अगर हम बताई तो तू विश्वास ना करब। अगर हम तारा से सवाल करी तू हमार जवाब ना देब। बल्कि अब से मनुष्य के पुत्र परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठी हैं। तब का तू परमेश्वर के पुत्र हवे? तू कहता कि हम हई हमने की अपने आप सुन लेने जा का कहलस। हमने के एक पिलातुस के पास ले चली जा। और लोगों के पेंतुस पिलातुस के पास ले गई ले जे शासकन में सबसे निर्दयी और हजारनों के क्रूस देवे के उत्तरदायी रहे। इतना भोरे भोरे तू लोग हमरा से का चाहत? हमने के इनका के लोगन के भड़काउट पकड़नी जा। ये रंगा लाए के बाजार में कल बली में चले रहे। ओकरा के का दंड देव? मौत के सजा दी। हम एकरा में दंड देवे के कौनो दोष नहीं खिपावत। हमने के एकरा के दोष खिपावनी जा। ये कैसर के कर देवे के मना करेला और दावा करेला कि मसीह और राजा हो। राजा का? तू यहूदियन के राजा हवा? तू खुदे कहताड़ा गलील में शुरू कैलस अब ये जो आ गईल। गलील में ई मनुष्य गलीली हो? तब तो ए मुकदमा के हेरोदेश देखियन वो वही यरूशलेम बड़न कने खान एक हेरोदेश के पास ले जा। तू के हवा कि तू कहतला जिनका के तू आपन चेला कहला वो के हवन? बहुत लोग कहता कि तू अचर्च के काम कर सकेला हमारी खातिर भी कुछ करो। महाराज इस सब लोग के भ्रष्ट करता होता ये अपना आप के राजा कहेला। ये मानुष एक राजा? महाराज एक रखी अच्छी मार मारा। एक रखे पिला तू से पास ले जा। ये उनका इलाका के है। ये आदमी मृत्युदंड के योग कोई अपराध नहीं है कैले। ऐसे एकरा के कोड़ा लगा के छोड़ देता नहीं।
ए परब के समय तू एक आदमी के छोड़े के बाध्य बड़ा। हमनी के बरब्बा के छोड़ दो। हाँ, हाँ, बरब्बा और इकरा के खत्म करो। शमौन कुरैनी साहब। हाँ है ना, रसारी काट दो। बल्कि अपना और अपना बाल बच्चन खातिर रो। काहे कि लोग हरा पेड़ के साथ ऐसा करतान तो सूखा के साथ का होई। परमेश्वर तुहार सहायता करे, तुहरी खातिर प्रार्थना करो जो। Thank you.
क्षमा करी काहे की जानत निकस है कि का करत अने वो दूसरा के बचावलस त अपना आप के बचावे द अगर तू मसीह हवा त अपना आप के बचा अरे क्रूस से उतरिया तू अपने को चमत्कार दिखावा कई सौ बरिस पहले भविष्यवक्ता लोग जे भविष्यवाणी कैलन ओकरा पूर्ति का मुताबिक यीशु दो चोरन के बीच में क्रूस पर चढ़ावल गुइलन ई कोनो मामूली जोगी के कपड़ा ना सुना सुना रुका रुका एक फाड़ ना चिट्ठी बताओ तनी के काम करे के चल एक बार चिट्ठी डाल देखो क्या कर रहे हैं ठीक ठीक ओकरा सिर के ऊपर क्रूस पर लिख के ठोक दिहल गईल कि ई यहूदियन के राजा ह यहूदियन के राजा हवे तो अपना आप के बचाओ मसीना हुआ अगर हुआ तो अपना के और हमने के भी बचावा का तू परमेश्वर से भी नहीं डरत ये कोई अपराध नहीं खे कैले तब हूँ हमने ऐसा दंड पावता यीशु जब तू अपना राज में आई हा तो हमरो के भी याद रखी हा हम तारा के वचन दे तनी आज भी तू हमरा संगे सारग मोखवा अब दोपहर के समय हो गई रहे और तीन घंटा तक सारा देश में अन्हार छावले रहे
मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे तक बीचे से फट गई। हे पिता, हम अपन आत्मा तहरा हाथ में सौंपता नहीं। जब सिपहियन के सरदार जे कुछ घटना भइल रहे देखलस, तब परमेश्वर के बड़ाई करके ई कहलस, परमेश्वर की बड़ाई हो, सच हूं के ई एगो धर्मी मनुष्य रहले। धार्मिक सभा के एगो धर्मी सदस्य अरमतियाह का यूसुफ उ लोग के एह विचार और काम से खुश ना रहन, पेंतुस पिलातुस से यीशु के लाश मंगलन ताकि सबत के सांझ से पहले अपन कवर में रख सकस। क्षमा कर, हमने के अपना प्रभु के लोथ के पीछे आवत नहीं जा। सब आ सकेला बल्कि आवा, काहे कि सबद के समय नियर आयल बा। इतवार के बड़ा भोरे मेहरारू लोग तैयार कैल सुगंधित वस्तु लेके कवर पर अली जा। उ लोग कवर पर से पत्थर लुढ़कल देख ली जा। जब उ लोग कवर के भीतर घुसली तो प्रभु यीशु के लोथ हुई जा ना पौली जा। जिंदा के मुर्दन में काहे खोजा ताड़ू जा, उ यही जा नहीं खन बल्कि जी गोइल बाणे। याद कर उ गलील में तुहरा लोग से का कहले रहन, मनुष्य के पुत्र पाप इनके हाथे पकड़वावल जई हैं, क्रूस पर चढ़ावल जई हैं और तीसरा दिन फिर जी उठे हैं। लोथ ना रहे और दो आदमी हमने के दिखाई देलन, दो स्वर्गदूत सूरज जैसन चमकत और कहलन, तू लोग जियत के मुर्दन में काहे खोज तड़ू जा, ई सच बा। विश्वास करें जा, विश्वास करें जा। हमने का उ लोग के देख लिया जा, तो उन्ही लोग भी जाके देखा जा, कबर खाली रहे, हमने का प्रभु ऐजा ना रहलन। पत्रस, हमनी के विश्वास करा।
प्रभु साचे जी को लन और उ पतरस के दिखाई देलन हा हमनी का उनका के राह में ना पहचान सकनी जा जब वो रोटी तुरत रहल ना तो हमनी के चिन्ह नहीं जा कितना सूरज बाबू जब पहुंच गइलन तू लोग के शांति मिले तू लोग काहे घबराइल बड़ा ये सब शंका तुहरा मन में काहे आ रहल बा देखा हमार हाथ और हमार गोड़ और समझ ल कि हम ही हई हमरा के छुआ तो तू लोग जान जीब काहे कि आत्मा के हाड़ मास ना होला जैसे हमरा में देखत रह जब हम तुहरा संग रही तो बात करत रही जे इहे बा जे कुछ हमरा बारे में यहूदी धर्म शास्त्र में और पुराण भविष्यवाणी में लिखल बा वो सब पूरा होकर जरूरी बा यह जे बात लिखल बा मसीह के दुख उठावे और तीसरा दिन जी उठल जरूरी बा यरूशलेम से शुरू करके सब जाति में मन फिरावा और पाप के क्षमा करे के प्रचार उनके नाम से कई गई तू लोग ई सब बात के गवाह बड़ा हम खुद अपना पिता के प्रतिज्ञा तोहनी लोग पर उतारब बल्कि सड़क के समर्थ पावे तक तू लोग हिजे ठहरल रही है जा प्रभु तू लोग के आशीष दे और रक्षा करे स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार हमरा के दिहल बा ये से तू लोग जाके सब जातिन के चेला बनावा और उन लोग के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और उन लोग के सब बात जे हम आज्ञा देले बनी माने के सिखावा और देख संसार के अंत तक हर घड़ी हम तुहरा लोग का संग ही बानी आमीन बहुत पहले भविष्यवक्ता लोग धर्मशास्त्र में लिख रहे कि पापी लोग के बचावे ईश्वर से मेल मिलाप करावे खातिर ईश्वर मसीहा के भेजब यीशु के जीवन से मालूम होता कि सचमुच ये उद्धारकर्ता हैं जिनका के दुनिया में भेजे के प्रतिज्ञा ईश्वर कैले रहने असहाय भविष्यवक्ता लिखले रही एक कुंवारी गर्भवती हुई है आ पुत्र जनी है आयुषने भइल ईश्वर के चिन्ह द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती भइली आ यीशु के जन्म दिली जैसन धर्म शास्त्र में लिखल बा कि इनकर अचरज भरल जन्म ईश्वर के चिन्ह है कि ई बालक मसीहा है जिनका के ईश्वर अपन बेटा कहनी जब लोग यीशु के देखले तो इनका भीतर ईश्वर के गुण आ शक्ति दिखाई दिहल ई बीमार के चंगा कहनी उनकर पाप क्षमा कहनी आ स्वर्ग राज में जगह देवे के प्रतिज्ञा कहनी यीशु अपन जीवन बलिदान कह दिहनी आ सब मनुष्य जाति खातिर दंड भोगनी तब यीशु जिंदा हो गईनी आ देखा दिहनी कि उनकर शक्ति मौत के शक्ति से बहुत महान बा यीशु मसीह कहनी कि हमरा पास शक्ति बा कि अपन जीवन खत्म करके फिर से जिंदा हो जाइब भविष्यवक्ता लोग द्वारा लिखल सब बात यीशु के जीवन से पूरा भइल पक्का भइल कि ईश्वर के पवित्र वाणी वैसने निर्दोष आ अनंत बा जैसन भविष्यवक्ता लोग कहले रहनी यीशु ईश्वर के वचन है यीशु के रूप में ईश्वर अपना के दुनिया के लोक पर प्रकट कैनी यीशु अपना भरपूरी में हमनी के जीवन देवे खातिर रहनी ये वैसने भइल जैसे ईश्वर पहला आदमी आ औरत के बनौली लेकिन वो लोग ईश्वर में विश्वास ना कैले आ उनकर हुकुम ना मनले धर्मशास्त्र में लिखल बा कि सब मनुष्य जात पाप कैले बा आ पाप के मजदूरी मौत है जे आदमी पाप कैले बा वो ईश्वर के संगति में ना रह सके
जैसे ईश्वर इब्राहिम के बेटा के बदले भेड़ा के प्रबंध कैनी, वैसे ही ईश्वर आदम के वंश के बदले मुए देवे खातिर यीशु के भेजनी। ईश्वर ऐसन कैनी कि जे केहू यीशु पर विश्वास करी वो ईश्वर के संगति में आ सकी। यह कारण जे केहू यीशु पर विश्वास करी वो नरक के दंड से बच जाई आ ईश्वर के संगे हमेशा रही। जब यीशु मुर्दा में से जिंदा हो गई नी तब अपना चलन से कहनी कि पूरा दुनिया में लोग हमरा नाम के घोषणा करी हैं कि ईश्वर वो आदमी के पाप क्षमा करे जे अपना पाप से पछतावा करी आ उनका ओर फिरी। यीशु इहो कहनी कि हम ईश्वर के पवित्र आत्मा भेजब ताकि वो हमार विश्वासी संगे रही, सही रास्ता दिखाई आ ईश्वर के राह पर चले के शक्ति दी। जब पापी औरत पछतावा कह के यीशु के पीछे हो लिहलस तो यीशु उसे कहनी कि तोहर पाप माफ भइल, तहार विश्वास तहरा के बचा लिहलस। यीशु कहनी जब आदमी सचहू के ईश्वर से प्रेम करे लागी ये एकर प्रमाण है कि ईश्वर ओकर पाप माफ कर दिनी। यीशु सब लोग से अपना पीछा चले के कहनी जे यीशु के पीछे चले के फैसला कइल उ उनका ऐसन बात बोली आ उनकर संगति शुरू कर सकी। ईश्वर पिता आप धर्मी हैं, हम धन्यवाद देतानी कि रउआ हमसे प्रेम करीना। हम दुखी बानी कि हम राउर हुकुम ना मननी आ रउआ विरोध में पाप कैनी। हम आपके धन्यवाद देतानी कि आप यीशु के हमरा खातिर क्रूस पर मरे भेजनी आ उ मर के फिर जी उठनी। हम धन्यवाद देतानी कि जे पाप हम कैनी ओकर दुख आ दंड सहनी। हम यीशु के अपन उद्धारकर्ता आ प्रभु स्वीकार करतानी। हम धन्यवाद देत बानी कि रउआ हमार पाप क्षमा कैले बानी और अपना राज में प्रवेश करे के रास्ता खोल देले बानी ताकि रउआ संगे हमेशा खातिर रह सकी। हम चाहतानी कि हमरा संगे रही आ हमके अपन रास्ता देखावे खातिर अपन पवित्र आत्मा दी। उ हमके आप से पूरा मन से प्रेम करे आ ऐसन जीवन जिए के शक्ति दे जे हम आपके खुश कर सके ताकि दुनिया में सब जगह लोग आपके बड़ाई कर सके। आमीन। यीशु अपना अनुयायी के बारे में कहनी हमार भेड़ हमार आवाज सुनेला, हम उ सब के जानीला आ उ सब हमरा पीछे पीछे चलेला। यीशु के माने वाला आपस में मिलेलन, उनका बारे में रोज चर्चा करेलन, धर्मशास्त्र में उनकर वाणी पढ़ेलन, उनकर चेतावनी माने खातिर चिंतन सोच फिकिर करेलन आ उनका बारे में दूसरा के बतावेलन। ईश्वर के आत्मा के शक्ति जे लोग के दिल में वास करेला उस सब के अगुवाई यीशु करीना आ शक्ति देहीना। बदरी पर चढ़ के स्वर्ग जाए से पहले यीशु अपना मानने वाला से जे कुछ कहनी उस सब मन में राखे लन जा। ईश्वर हमके स्वर्ग आ धरती पर पूरा अधिकार देले बानी, दुनिया के आखिर तक हम तहरा साथ बानी, ई बात के तू निश्चय जनी हा।